तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम जाने वाले हैं चोपता से तुंगनाथ, जो यहाँ से है 4 किलोमीटर। ये हमारा चोपता का मेन मार्केट। चोपता का मार्केट है। तो गाइस, हम फाइनली पहुँच गए हैं चोपता मार्केट में। और यह है तुंगनाथ जाने का मेन गेट। चलो चलो चलो, बजा घंटी बजा। ऊपर जा रहे का भाई, तुम हैं ऊपर जा रहे? ऊपर जा रहे हैं। जूते चेंज कर लो। ना ना, कोई नहीं। अरे भाई, बहुत दिक्कत पड़ेगी, हमें पता। जूते चेंज कर लो और पानी की बोतल ले लो। ऊपर कुछ नहीं है खाने, कुछ भी। तो ये है रूट तुंगनाथ मंदिर जाने का। तुंगनाथ मंदिर का चीर फाड़ते, एक तरफा फाड़ते हुए आगे बढ़ते है। UK 011 कोई मतलब नहीं है, क्या है कितना है, फाड़ते हुए जा रहा आगे भाई। और अपना बर्निंग तो बर्निंग मारते हुए जा रहा आगे। अभी तो 100 मीटर चले हो, समझ लो बस। ये तो अभी रास्ता है हमारा। अबे राजस्थानी बाबू छूट गया पीछे ही। हाँ, बर्निंग दा, बर्निंग दा, फुल मस्ती है। शिव बाबा अरे वो छूट गया, गौतम जी पीछे छूट गया। बांझ का पत्ते लो मा। बस लुक इट गाइस, गौतम जी हमारे पूरी तरह से थक चुके हैं। और हमारा डार्क शैडो छुट्टे के साथ ओके जरे लाल चाल। लुक एट व्यू, फुल मस्ते बोले। GoPro स्टार्ट कर। सो फाइनली हम 1 किलोमीटर एक किलोमीटर यात्रा के बाद जो लोकेशन है वो ऐसी है, बुग्याल। अभी सारी बर्फ गिरी हुई है। आजा डार्क शैडो, आजा सामने झोपड़ियाँ रहने के लिए। पीछे का व्यू काफी शानदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। नजारे यह सीन नजारे चोपता के तुंगनार तुंगनाथ वाले रूट पे। लुक एट यार, तो यहाँ से जाएंगे हम शॉर्टकट। शॉर्टकट सीधे ऊपर जाएंगे। जोखिम भरा रास्ता, लेकिन हम कवर करेंगे। करना पड़ेगा ये कवर। बर्फ कुछ इस प्रकार से काफी खतरनाक रास्ता हो गया ये। बर्निंग पहुंच गया ऊपर, बर्निंग मारते मारते। ओ भाई साहब, ऐसी बर्फ में जाना पड़ रहा है भाई। ओए ओए पकड़ते हुए। ओए यार, रुक इट गाइस, गौतम जी आ जाओ, खींचते आना, घिसते घिसते आ जाना। पीछे का व्यू देखिए गाइस, मजा आ गया, अलग ही लेवल का एडवेंचर।
पुष्कर का मजा आ गया इसमें यार। ओ ऐसे चढ़ना पड़ रहा है हमारे UK 011। चलो डार्क शैडो ऊपर पहुंच गया। गाइस ऊपर दिखाते हैं, मैं चलता हूँ मैं क्योंकि स्लीप हो रहा है बहुत ज़्यादा। आगे का व्यू दिखाऊंगा थोड़ी देर में। टीम बी के साथ हम टीम बी का फोटो शूट चल रहा है। टीम बी का पीछे फोटो शूट, लुक एट सामने का व्यू। फिर अराउंड 2 किलोमीटर हमने चल गए अभी। 2 किलोमीटर का रास्ता हमने कवर कर लिया है, अभी बचा हुआ है काफ़ी। नीचे हो रखी है ऐसी पर, नीचे हमारा एक रास्ता नहीं बनता, पर खो गया। राजस्थान वाले गौतम जी हमारे पता नहीं कहाँ चले गए, वो मिल नहीं रहे, पता नहीं बर्फ में कहाँ गुम हो गए, आ नहीं पा रहे ना। सामने का व्यू, तो ये है अभी का व्यू। ये है हमारे साथ डार्क शैडो, डार्क वाला ये है बर्निंग, ये है UK 011। ओ गाइस हम आ चुके हैं अभी 1:30। आवाज कहाँ है तेरी, आवाज दिल से बोल, क्या कर रहा है? तो यहाँ पे पुष्कर दा का देखिए गोप्रो चल रहा है, अभी चार्ज बहुत कम बचा हुआ है। और डॉक्टर साहब फोटो चल रहा है। और गौतम जी काफी नीचे, अभी एक बार गौतम देखो। बीट के साथ एक बार गौतम हो जाए, चलो आओ। गौतम जी हैं काफी नीचे। गौतम अभी गौतम जी नहीं पहुंचे हैं ऊपर। तो तुमने आपकी पहली धूप आ गई है ऊपर से, टॉप से निकल गए, पीछे आ रही धूप। वाह मजा आ गया। गौतम जी भी हमारे पहुंचने वाले हैं, काफी दिक्कत हो रही है इनको चढ़ने में। तो कोई नहीं, चढ़ते जाएंगे। चलो चलो गौतम आ रहा है, गौतम आ रहा है। मैं बाज का फते लूंगा, लड़ गई हूँ मैं बाज का फते लूंगा। गुना आ जाओ इधर यार, पीछे को भी देखिए गाइस। काफी मजा आता है। तो गाइस हम पहुंच गए अभी 3 किलोमीटर ऊपर, बर्फ में चलते हुए। UK 011 के साथ हमारा डार्क शैडो पीछे से आता हुआ। और अमरु भाई आ चुके हैं वापस इनको लेने। टीम भी हमारी यहाँ पे है और टीम ए मंदिर में ऊपर। आओ अमृता लेके आओ भाई, सारे लेके आओ। देखो ऐसी हो रही बर्फ काफी जबरदस्त, ऐसे जा रहे हैं नीचे।
गर्मी बढ़ गई, इसलिए मैंने जैकेट उतार दी। पीछे का व्यू सारी बर्फ ही बर्फ। काफ़ी 3 किलोमीटर हमने अभी आगे हैं, 3 किलोमीटर भी बचा है चंद्रशिला जाने के लिए। आ जाओ रे, नीचे ही रुक गए। हाँ यार, मज़ा आ गया एडवेंचर में। बर्फ ये क्या नज़ारा ही नज़ारा, मज़ा आ गया भाई साहब। फुल पैसा वसूल, मज़ा आ गया। मिलते हैं आपको थोड़ा आगे, क्योंकि ट्रैवल करने में दिक्कत हो रही, तो ब्लॉगिंग हो नहीं पा रही उतनी ठीक से। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लोकेशन पे। चलो पहाड़ी गर्ल, पहाड़ी गर्ल की फुल मस्ती चल रही है बर्फ में। चलो खींच के चलो। आ जाओ पुश कर दो, आ जाओ आ जाओ भाई साहब। फुल जूते आधे से ज्यादा बर्फ में, पूरी बर्फ घुस गई है जूतों के अंदर। ये हाल हो गए लोगों के, ऐसे बेइज्जती करवा दी इन्होंने। गाइस फाइनली हम पहुंच गए मंदिर के करीब। पीछे जो व्यू है ये मंदिर का है, पीछे मंदिर और ऊपर हमारे ये पहाड़ टीम सी। KTM वाला पहुंचने वाला है, 500 मीटर बचा है। ये है मंदिर का व्यू। पहुँचने वाले हैं, 500 मीटर बचा है। चलो लेट्स चलते हैं। चलो और जो ये ऊपर जो वैली देखते हैं आपको, टीमें हमको यहाँ से बुला रही है, तो हम यहीं से चलेंगे। आ जाओ, यहाँ आगे पूरी बर्फ है, तो टीमें बोल रही है यहाँ से आ जाओ, तो हम इधर ही से निकलते हैं। गर्मी इतनी होगी, अब गर्मी बढ़ गई है, तो अभी जाना है यहीं पे। नीचे है पूरी बर्फ, देखो इस प्रकार की स्केटिंग चल रही है। कुछ नहीं करना है इसमें, ऊपर बैठना है और खिसकते हुए नीचे को जाना है भाई, यही मजा है यहाँ पे। इसका मजा हम भी लेंगे आते टाइम। ये चलो भाई स्केटिंग स्टार्ट हो गई है, चलो चलो खींचो। तो काफ़ी मज़े कर रहे लोग यहाँ पे, तो आप भी आइए अगर आपको आना है तो। आजकल काफ़ी एंजॉय हो रहा है यहाँ पे। पूरी पीछे देखो ऊपर मंदिर है, बाकी नीचे पूरा स्केटिंग चल रही है पूरी बर्फ। पुश कर दा, क्या आप ट्राई करना चाहोगे स्केटिंग एसी वाली? तो अभी करोगे शाम को करोगे? शाम को इसको प्लान करते हैं हम। अभी अभी तो फिलहाल ऊपर चढ़ना है, बाकी शाम को प्लान करते हैं। यहाँ से तो नहीं चढ़ना पा, दूसरी जगह से जाना पड़ेगा, इसी जगह से जाना पड़ेगा, यहाँ से नहीं है।
यहाँ से पॉसिबल नहीं है, दूसरी जगह से जाना पड़ेगा। चलो पुष्कर दा आओ। चलो ये तो अभी हम पहुंच गए हम तुंगनाथ के गेट पे। तो फाइनली फाइनली आपको तुंगनाथ का दर्शन कराते हुए हम भाई साहब दर्शन तो बाद में हो गया। आखिर भोलेनाथ के दर्शन में हम पहुंच गए काफी मुश्किल के बाद। हाँ ये कुछ इस प्रकार का है। जय भोले 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 जय भोले। तो गाइस ये है तुंगनाथ का मंदिर, मेन मंदिर ये है। अभी कपाट बंद हो रखे हैं, तो ये कपाट बंद है अभी तो खुलेंगे। और ये चारों तरफ का व्यू। हो गई है, पता नहीं क्या हो गया बेचारे को यार, भूख लगी, खत्म हो गया भूख लगी, सुबह से खाना नहीं खाया थे। मंदिर के पीछे का व्यू। भाई को खाने की बहुत नीड है यार। मंदिर के पीछे का व्यू है। खाने को दे दो रे बाबा, खाने को दे दो रे। ये है हमारा तुंगनाथ मंदिर। फाइनली हम यहाँ पहुँच गए आज। हम यहाँ से नीचे को चलते हैं। तो आई होप गाइज आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में होने वाली है काफ़ी ज़्यादा मस्ती, क्योंकि उसमें कर रखी है हमने बहुत सारी स्केटिंग बर्फ में, और उसमें है काफ़ी अच्छे अच्छे लोकेशंस। तो आप ज़रूर देखिए हमारा नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए थैंक यू।